हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक और नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और आज की वीडियो बहुत ओपी होने वाली है। सामने देखो क्या है गाइस, ये देखो सायरन हेड, यहाँ पर देखो मोमो गर्ल, यहाँ पर देखो स्ट्रॉन्ग वाली मोमो गर्ल, यहाँ पे बहुत सारा खतरनाक चीज यहाँ पे आप लोग सामने दिख रही होंगी। और गाइस अभी मैंने स्पॉन करने वाला हूँ, ये देखो मैंने छोटी वाली मोमो गर्ल को स्पॉन कर दिया है, बट ये उतनी खतरनाक मेरे को लग नहीं रही है, तो इसलिए अभी हम और भी ज्यादा खतरनाक कुटर स्पॉन करने वाले हैं। ओके, ये देखो वाह, इसका नाम है स्पाइडर मोमो। ये देखो कितनी खतरनाक है, ये क्या, ये उस वाली मोमो से फाइट कर रही है। वाह, बहुत मजा आ रहा है। क्या ये उसे मार पाएगी फिर? नहीं भाई, देखते हैं गाइस इन दोनों की फाइट में कौन जीतेगा। भाई फाइट तो अभी खतरनाक हो रही। वेट यार गाइज, ये बल्कि बोस से डर की वजह से भाग चुकी है और यहाँ पे बच गई है, तो इसका मतलब ये हुई ना स्ट्रॉन्गर। यहाँ पे स्पॉन करते हैं सायरन हेड को। ओके गाइज, यहाँ पे सायरन हेड स्पॉन हो चुका है। ये देखो और फाइट हो रही है सायरन हेड में और स्पाइडर मोमोगल में। ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, अरे वो दोनों पास में आ गए। गाइज यहाँ पर एक आइडिया मेरे पास, रुको अब मैं इन दोनों को मिक्स करता हूँ। अभी दोनों मिक्स हो जाएंगे, मिक्स ठीक है। ओके, मिक्स हो रहे हैं हल्के। ओके, कुछ तो होने वाला है यहाँ पे। हो जाओ हो जाओ हो जाओ हो जाओ हो जाओ हो जाओ, ये दोनों मिक्स हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, मिक्स हो चुके हैं। ये देखो ये क्या बन गया गाइज, गाइज ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, नो 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 नो, भाई साहब ये कौन है भाई? प्लीज गाइज कमेंट करो ये कौन है प्लीज। चलो गाइज आज मैं आपको दिखाता हूँ कि डायमंड को कैसे माइन करते हैं। बट वेट गाइज, ये कौन है? ये तो मोमो गर्ल है ना, बट ये यहाँ पर क्या कर रही है? लेकिन ये क्या, ये मोमो गर्ल सायरन हेड यहाँ पे इतने, मतलब यहाँ इन लोगों को बंद किसने किया? हाँ मुझे ये तो पता है कि ये लोग खुले हुए थे, इनको मैंने खोला था, बट इनको बंद किसने कर दिया यहाँ पे? अब मुझे इनको बाहर निकालना पड़ेगा, बट मेरे को एक डर लग रहा है कि ये लोग मेरे को मारे ना बस, तो शायद ये लोग मुझे मारेंगे नहीं गाइस। ओके, मैंने इन्हें बाहर निकाला है, तो इन लोग को ये लगेगा कि मैं इनका दोस्त हूँ, बट ये बहुत ही अच्छी बात है। ओके, मैंने इसको मार दिया यार, ये ले मजा आया तेरे को, मैंने गाइस इसको मार दिया है। और अब गाइस हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये बंद सायरन हेड, इसको बाहर निकालता हूँ। मैंने सायरन हेड को भी बाहर निकाल लिया है, अब इसको भी मारना पड़ेगा। ये ले, अबे ये ले नोप नोप रे बॉट, ये ले नोप नो नो नो, भाग भाग भाग, ये ले ले, एक और ले, अभी रुजा, एक और ले, गया गाइस, ये भी गया। अब बची है वन एंड ओनली स्पाइडर मोमो, तो क्या इसको मार पाएंगे गाइस? आप क्या लगता है आप लोग को? तो वेट करो आप लोग बस। ओके, काम यहाँ पे हमारा हो रहा है। ओके 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 ओके, ओके, ओके भाई, भाई भाई इसको मारने की ट्राई कर रहा हूँ, बट ये क्या, ये तो हमारे पीछे पड़ गई। अरे भाई आराम से, अरे भाई नहीं, अरे स्पाइडर मोमो नो 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 नो, अबे स्पाइडर मोमो छोड़ दो हमें प्लीज, स्पाइडर मोमो प्लीज, अबे स्पाइडर मोमो सॉरी। रुको, लेकिन तुम ज्यादा हीरो बन नहीं, हीरो हीरो अभी रुको, बहुत हीरो पंद चढ़ रही है। देखो ये ले आया मजा भाई, मेरे से मत पतंग ले पंगल ना, कभी नंगा कर दूंगा तेरे को समझी, मेरे से लेगी पंगा तो कर दूंगा तेरे को नंगा समझी, ऐसे क्योंकि मेरा नाम रिच माइन हीरो। और यहाँ पर गाइस हम लोग अब चेक करते हैं चेस्ट के अंदर क्या है, काफी सारी बोट्स हैं एंड उसके अलावा कोई और चेस्ट तो यहाँ पे है नहीं। अबे सायरन हेड छोटा सा, देखो वाइस कितना छोटा सा सायरन हेड है भाई, मतलब ये तो छोटा खेस, इतना फनी लग रहा है मेरे को, बहुत मजा आ रहा है भाई। आज तो गाइस मैं आप लोगों की बचपन की यादें ताज़ा करने वाला हूँ। सामने देखो कौन है गाइस, टॉम एंड जेरी। तो मुझे पता है कि आप लोगों ने बचपन में काफ़ी सारी इसकी वीडियोस कार्टून्स देखे होंगे, तो ये बहुत ही ये मेरा भी बहुत ही फेवरेट रहा है बचपन में, बट आज ये हमें माइनक्राफ्ट के अंदर मिल चुका है। तो अभी गाइस ये दोनों गए हैं एक रूम के अंदर कुछ चेंज वगैरह करने के लिए, अब देखते हैं ये लोग क्या चेंज करके आते हैं। वेट, ये क्या, यहाँ पे एक बन गया मोमोगल और एक बन गया सायरन हेड, लेकिन ये कैसे हो सकता है गाइस मेरे को बताओ प्लीज, दैट इज नॉट पॉसिबल गाइस, नो नो, मेरे को पता है। ये क्या, और ये दोनों आपस में फाइट कर रहे हैं एज अ टॉम एंड जेरी। और भाई ये क्या, जो जेरी ने उसको मार दिया, ये मेरे को मेरे पीछे पड़ गई है, नो ओ शिट। माइनक्राफ्ट की एक सुहानी शाम, हमें लगता है कि माइनक्राफ्ट कितना प्यारा और सुंदर सुशील गेम है, तो आराम से हम लोग अपने घर के अंदर सो रहे होते हैं, मैं स्टीव एंड एलेक्स एंड यहाँ पे हमारे दोस्त मिनियंस एंड सारे लोग यहाँ पे आराम से सो रहे होते हैं, लेकिन हमें गाइस एक बात की बिल्कुल भी भनक नहीं होती है कि हमारे पास कौन आने वाला है। और यहाँ पर देखो गाइस शाम का माहौल आराम आराम से ढल चुका है, सुबह हो रही है, और यहाँ पर देखो गाइस कौन आ रहा है, मोमो गर्ल, मतलब आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये कैसे हमारे घर में एंटर कर रही है और ये हमें क्या क्या कर सकती है गाइस। यहाँ पर देखो ये क्या, अब जैसे ही मैं सो के उठाऊँ मैं देखता हूँ यहाँ पे काफ़ी सारा खून पड़ा हुआ है, और मुझे लगता है कि ये खून मेरे दोस्त मिनियन का है, क्योंकि यहाँ पर जो मेरा दोस्त दो थे यहाँ पर सिर्फ एक ही बचा हुआ है, तो यहाँ से मेरा एक दोस्त गायब है। अब मुझे इस बात का पता लगाने के लिए यहाँ पर इसका पीछा करना पड़ेगा कि मेरा दोस्त कहाँ चला गया। मुझे ये तो पक्का पता कि मेरे दोस्त को मोमो को ले चुकी है, क्योंकि वही रात के अंदर आई थी, और मुझे इस बात का बहुत डर भी है कि अगर मैं इस खून का पीछा करूंगा तो वो मेरे को ना मार दे, तो इसलिए गाइस मैं यहाँ से भाग रहा हूँ यहाँ पे। मैं लेकिन चेक जरूर करूँ कि आखिर यहाँ पे गया कौन था, यहाँ पे गाइस एक घर है, अब चेक करते हैं इस घर के अंदर कौन है, यहाँ पे कौन रहता है क्या। हाँ चलो चेक करते हैं, मिनियन चेक कर भाई,
ओके गेट तो हम लोगों ने यहाँ पे डॉक नॉक कर दिया। टॉम एंड जेरी, वाह यार बात सुनो, टॉम वो टॉम बात सुनो भाई, टॉम टॉम सॉरी टॉम ने जेरी है ना, हाँ भाई जेरी बात सुनो, ये कौन इसका दोस्त होगा, शायद मैं इसको जानता नहीं हूँ, हाँ जानता हूँ भाई ये तो डॉग है, ओ वाह बात सुनो जेरी, गाइस आपको डॉग का नाम पता है प्लीज कमेंट करो, और जेरी बात सुनो यार, हमको हमारा जो दोस्त है ना मिनियन उसको वो ले गई है मोमोगल, तो क्या तुम मेरी कोई हेल्प कर सकती हो? हाँ ओके ओके ओके, तो इसने कहा मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी, ये हमको यहाँ पे लेके आ चुकी है साइंटिस्ट बाबा के पास, अब यही हमारी कुछ समस्या का हल निकालेंगे, साइंटिस्ट बाबा हमारी समस्या का हल निकालिए प्लीज़, हमारी बहुत बड़ी समस्या है, हमारे दोस्त हमारे वर्ल्ड के अंदर मोमोगल आ चुकी है, आप उसको मारने का कोई समाधान दे दीजिए। ओके इन्होंने हमें कुछ दिया है, बुक दी है, अब इस बुक में जो लिखा हुआ है वो हमें पढ़ना पड़ेगा, वॉच आउट, ओके यहाँ पे लिखा हुआ वॉच आउट, तो गाइस चलते हैं बाहर, इसमें लिखा है मोमो इज हियर विद, ओके गाइस यहाँ पे मोमोगल हमारे आसपास ही है गाइस, हमको यहाँ पे नोटिस मिल चुका है इस बुक के थ्रू, और हमको यहाँ पे रहना पड़ेगा हर समय अलर्ट, क्योंकि जब भी वो हमको देखेगी तब गाइस वो एक ही बार हमारे ऊपर हमला कर देगी, यानी गाइस 7 आवर्स यहाँ पे हो चुके हैं यहाँ पे काफ़ी देर के बाद, और हम लोग इस खून का पीछा करते करते अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे काफ़ी दूर आ चुके हैं गाइस, 7 घंटे में काफ़ी दूर आ सकते हैं आप लोगों को पता ही होगा, और यहाँ हमें एक ओ माय गॉड सायरन हेड, ओ माय गॉड ये क्या उसने मेरे दोस्त को मार दिया, सायरन हेड ने मार दिया मेरे दोस्त को, शिट गाइस ये क्या, वो मारने के बाद गाइस वो अपने घर के अंदर भाग गया है, अब तो हमें पक्का चेक करना पड़ेगा कि इस घर के अंदर आखिर कौन कौन है और आखिर वो यहाँ पर रहता कैसे, तो जाना पड़ेगा इस घर के अंदर गाइस, बहुत डर लग रहा है लेकिन जाना तो पड़ेगा ही, वेट यहाँ तो कुछ भी नहीं है, व्हाट ही कैसा है नौटंकी है भाई ये, यहाँ तो कुछ भी, ओ नो नो कहाँ गिर गया मैं, ओए अभी मैं कहीं गिरा था भाई गाइस, मैं भी कहीं गिरा था यार, आप लोग ओ माय गॉड कहाँ गिर गया मैं दोबारा से, ओ भाई ये तो कैसी शमशान घाट है भाई, ये लोग देखो मरे हुए पड़े हैं, काफी सारे लोग कंकाल पड़े हुए हैं यहाँ पे, कितने सारे स्कल्स स्केलेटन ब्लड, ओ शिट गाइस दिस इज बहुत इंसेन है यार ये, और गाइस यहाँ पे किसी को लेके जा रहा है कोई, नो भाई लाशों का भंडार है ये भाई, बहुत ही स्कैरी है भाई ये तो, बहुत ही ज्यादा स्कैरी है, माइनक्राफ्ट की सबसे ज्यादा सबसे खतरनाक मिथ से भी ज्यादा स्कैरी है गाइस ये, मेरे को तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है गाइस, अगर आप लोग यहाँ पे होते तो शायद आप लोग माइनक्राफ्ट छोड़ के भाग गए होते, हाँ गाइस मैं पक्का आप सब, ओ मेरे को 100 एरो मिल चुके हैं ओके, और शायद ये मेरी काम में आएंगे इन लोगों को मारने में, ये क्या यहाँ पे मोमोगल और टॉम एंड यहाँ पे मिनियन खड़े हुए हैं, अच्छा ये तो मेरे दोस्त हैं जिनको ये लोग लेके गए थे ना यहाँ पे लेके आए थे ये लोग मोमोगल और सायरन हेड मेरे दोस्तों को, तो रुको मैं अपने दोस्तों को बचाऊंगा गाइस, ओके दोस्तों तुम चिंता मत करो मैं तुम्हें बचा लूंगा, लेकिन ये क्या ओ माय गॉड जो मोमोगल है गाइस वो देखो क्या बन चुकी है, वो तो बन चुकी है एक खतरनाक स्पाइडर मोमोगल, और वो हमारे ऊपर अटैक करने के लिए हमारी तरफ आगे की तरफ बढ़ रही है, नो मोमोगल प्लीज नो मोमोगल प्लीज नो मोमोगल, ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है गाइस, वो तो हमारी तरफ आ ही रही है कुछ ही देर में, ओ माय गॉड नो नो शिट गाइस ओ माय गॉश, जिंदगी सवार तू एक नई बहार तू, वेट गाइस ये क्या है व्हाइट घोस्ट का पोर्टल, मतलब गाइस मुझे तो बहुत प्यार है व्हाइट घोस्ट से, तो हमको इसके पोर्टल के अंदर जाना ही पड़ेगा, और ये क्या नूब तो ऑलरेडी इसके अंदर होके आ रहा है, अच्छा तो ये बता इसके अंदर जाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा आज का, अच्छा देखो काफी मजा आया तो तू ऐसे कूद रहा है कि तू देखो भाई डायमंड वगैरह मिल गया उसके अंदर जाके, अच्छा डायमंड मिले हैं तेरे को भाई, तो मैं जरूर जाऊंगा भाई, मेरे पास वैसे ही बहुत गरीबी आ रही है, दिन ब दिन मैं गरीब होता जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं खाने पीने के लिए, और अगर मतलब यहाँ पे ये लिखा हुआ है अगर हम लोग इसके अंदर जाएंगे ना तो हमको डायमंड एमराल्ड्स मतलब जो क्या नहीं मिलेगा भाई, तो क्यों ना इसके अंदर जाया जाए गाइस, सबसे पहले तो मैं ही जाऊंगा भाई क्योंकि मेरे बहुत बड़ा गरीब आदमी हूँ भाई, मेरे को जाने का है, ओके ओके गाइस हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि मैं मेरे को यहाँ पे कुछ मिलेगा क्योंकि मैं आ चुका हूँ एक चंक के ऊपर, व्हाट ये तो एक चंक है, हाँ गाइस हम लोग 1 ब्लॉक नहीं एक चंक के ऊपर आ चुके हैं, और इस चंक के ऊपर हमें ये क्या गाइस ये तो व्हाइट घोस्ट के सर पे एक चंक है, अच्छा मेरे को अब पता लगा व्हाइट घोस्ट के सर पे हम लोग बैठे हुए हैं, सोच के देखो एक भूत के ऊपर हम लोग बैठे हुए हैं तो कैसा फील हो रहा होगा, मुझे एकदम काफी खतरनाक सा फील नहीं हो रहा है अभी, लेकिन आगे चल के होने वाला है, तो चेस्ट यहाँ पे है, चेस्ट में चेक करते क्या है, ओ माई गॉड मजा आ गया भाई 44 डायमंड के ब्लॉक, तो इनसे डायमंड कितने सारे बनेंगे सोच कर देखो, मजा आ गया गाइज
अच्छा नूब इसलिए यहाँ से माला माल होके आया था, तो मैं भी यहाँ से माला माल हो चुका हूँ। तो गाइस लाइफ हो तो ऐसी हो ना, लाइफ ही ना हो भाई, बिल्कुल मजे ही मजे आ चुके हैं। ऐसा लग रहा है मैं स्वर्ग में पहुँच चुका हूँ, अब मेरे को यहाँ से कहीं जाना ही नहीं है भाई, बिल्कुल मजा आ गया। बट वेट, ये क्या हो गया भाई, पोर्टल किसी ने तोड़ दिया गाइस यहाँ पर, तो अब हम लोग अपने घर पे कैसे जाएंगे आप लोग बताओ मेरे को। गाइस लगता है कि किसी की एंट्री होने वाली है, जिसने गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्से में आके हमारा जो पोर्टल बंद कर दिया है। लेकिन हम लोग हार नहीं मानने वाले, हम लोग यहाँ पे अपना पोर्टल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और शायद ये पोर्टल बन जाए तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा होगा। ओके ट्राई करता हूँ, लेकिन नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। वो भाई ये पोर्टल क्यों नहीं बन रहा है, मेरे को घर पे जाने का है भाई, डायमंड मेरे को मिल गए हैं, अब मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहता, बिल्कुल भी। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डायमंड लेने के लिए आया था दोस्तों, तो मैं यहाँ से अपने घर पे कैसे जाऊँगा कोई बताओ मेरे को। वाइट घोस्ट मेरे को छोड़ दे, अगर तू यहाँ पे है मेरी बात सुना, विच 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 प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी प्लीज। ओके विच कुछ कुछ कर रही है इस यहाँ पे, अबे विच गायब हो गई, नहीं नहीं विच उड़ के आ रही है, विच उड़ के आ रही है मेरे पास। ओके गाइस विच हमारे पास आ रही है उड़ती हुई, तो शायद भगवान ने मेरी सुन ली, भगवान ने मेरी बात, विच यू आर द बेस्ट विच, प्लीज मेरे को बचा ले, मेरे को अपने घर पे जाना है दोबारा से प्लीज। ओके विच कुछ तो कर दे, कोई पोर्टल ही बना दे। अच्छा विच ने मेरे को कुछ दिया, डर्ट दी है, डर्ट को मैं लूँ क्या? ओके डर्ट को मैं ले लिया, मैं इससे करूँ क्या? अभी कहाँ जा रही है? अच्छा मैं इस डर्ट से पोर्टल बनाऊँ क्या? ओके ट्राई करता हूँ, तूने बोला तो अच्छा ही होगा कुछ ना कुछ ट्राई करने में, क्या जा रहा है गाइस? ट्राई अगेन 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 जो ट्राई करते हैं गाइस। चलो चलते हैं यहाँ पे इस तरफ, एंड जो इसने मेरे को डर्ट दिया इससे बनाते हैं पोर्टल, ट्राई करते हैं होता है फिर नहीं होता है। मेरे को तो बिलीव नहीं हो रहा है होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जब डायमंड से नहीं होता डर्ट से ये क्या ही हो जाएगा भाई, मेरे को बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा, लेकिन ट्राई करने में क्या ही जाता है। तो यहाँ पे बन चुका है, ओके यहाँ पे लगाते हैं अब। ओ भाई गॉड गाइस बन चुका है, थैंक गॉड यार, थैंक गॉड, कोई दिक्कत नहीं है गाइस, चलते हैं घर पे। ओके ओके फाइनली फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपने घर पे, आने के बाद काफी अच्छा मेरे को महसूस हो रहा है। तो गाइस आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं मारा, लाइक कर दो, मैं हो चुका हूँ बहुत अमीर, देखो गाइस पैसा ही पैसा, हर तरफ पैसा, मैं पैसों में अंधा हो गया हूँ, तो देखो गाइस कितना पैसा है मेरे पास। अब चलते हैं घर के अंदर, और आराम करने का टाइम हो गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, आप लोगों को तो पता ही होगा कितना हम लोगों ने गाइस यहाँ पे। नूब देखो क्या कर रहा है गाइस, देखो एक बात तो है गाइस, नूब के पास पैसा बहुत है भाई, लेकिन पैसे की कमी हमारे पास भी नहीं है, हम लोग लूट के आ रहे हैं वाइट घोस्ट के चंक के ऊपर से। वेट वाइट घोस्ट यहाँ पर कैसे आ गया? वाइट घोस्ट नो प्लीज नो, वाइट घोस्ट नो, वाइट घोस्ट तू यहाँ पे क्या कर रहा है? नो प्लीज नो नो, ओ माई गॉड गाइस वाइट घोस्ट ने हमें मार दिया और हम लोग जंगल के अंदर स्पॉन हो चुके हैं। अब जा रहे हैं ढूंढते ढूंढते अपने घर की तरफ, लेकिन इनको आवाज़ आ रही है यहाँ से, किसी की कोई आ रहा है क्या मेरी तरफ? वाइट घोस्ट आ रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे करने के लिए क्या आ रहा है गाइस? नहीं नहीं हमारे पास नहीं आ रहा, ये कहीं जा रहा है, लेकिन ये कहाँ जा रही है? ये तो इस टावर के ऊपर जा रहा है, ओ माय गॉड टावर कितना लंबा है गाइस, देखो वो जा रहा है ऊपर की तरफ, लेकिन आखिर ये जा कहाँ पे रहा है गाइस? इस टावर के ऊपर आखिर ऐसा क्या है जो कि ये जा रहा है वहाँ पे चेक करने के लिए? हमको इस चीज़ को चेक करना पड़ेगा गाइस, लेकिन गाइस उसके लिए हमको इस टावर के ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि कितना बड़ा टावर है भाई, ऊपर तक गया है पूरा भाई साहब, कुछ ज़्यादा ही बड़ा नहीं टावर ये, मतलब इसको बनाने में कितना गाइस वक्त लगा होगा सोच के देखो। तो बस चलते हैं हम भी चेक करने के लिए आखिर वो कहाँ पे गया है, तो चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलो गाइस चलते हैं, हम लोग जा तो रहे हैं बट ये रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा है, पता नहीं कहाँ तक गया है, ख़त्म हो जा भाई। ओ गाइस हम लोग रुक गए हैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पे हम लोग माइन कर रहे हैं। ओके ओके माइन हम लोग कर देते हैं ताकि कोई ऊपर ना जा पाए, और हमने गाइस यहाँ पे तोड़ दिया है, और अब गाइस यहाँ पे लगाते हैं प्लैंक, एक इस तरफ, एक इस तरफ और एक नीचे, एंड देन अब हम लोग प्लैंक से जाएंगे ऊपर गाइस। ओके यहाँ पे लगा देता हूँ यहाँ पे ये, एंड ये यहाँ पे। ओके अब यहाँ पे गाइस हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे माइन, देन माइन करने के बाद गाइस यहाँ पे लगा देंगे रेड स्टोन, एंड देन यहाँ पे भी यहाँ पे गाइस लगाएंगे हम लोग ये, एंड ये से एरो निकलने वाले हैं, क्या होने वाला है इससे, और जो भी होने वाला है। ओके ओके बच गया भाई, बच गया, नीचे गिरता। ओके गाइस यहाँ पे कुछ और लगेगा, ओके यहाँ पे लगा दिया मैंने ये सब कुछ, और ये बहुत कुछ मज़ा आने वाला है गाइस, बिल्कुल एंड तक वॉच करते रहो आप लोग बस। और यहाँ पर गाइस मैंने सब कुछ रेडी कर दिया है, बट एक चीज़ की कमी है, वो है गाइस मेरे को तोड़ना पड़ेगा पहले ये, उसके लिए तोड़ना पड़ेगा। ओके इसको भी तोड़ना पड़ेगा, और रुको तोड़ दिया है इसको भी, ओके काम में यहाँ पे मेरा हो चुका है शायद, एंड 50% हो चुका है शायद, यहाँ पे ये लगाया, एंड देन इस तरफ लगाना पड़ेगा। ओके हो गया काम गाइस हमारा, हो चुका है गाइस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। हम लोग ऐसे ऊपर नहीं जाने वाले, हम लोगों ने एक ट्रैप बनाया है, अब जैसे ही वो ऊपर गया है और जैसे ही वो नीचे आएगा
वो गाइस इस ट्रैप के अंदर फंस जाएगा और हमको बहुत मजा आने वाला है। वेट करो आप लोग बस उसके आने का। तो वो कुछ ही देर में वो आ रहा है गाइस, वो आ रहा है, देखो वो आ रहा है, देखो देखो ट्रैप के अंदर फंसेगा। ओ ओके गाइस वो नीचे गिर गया, वो मर गया। वाह यार क्या ट्रैप बनाया आपके भाई ने गाइस, इसके लिए एक लाइक तो बनता है यार। वाह मजा ही आ गया, मजा ही। तो अभी गाइस हम लोगों ने इस वाइट घोस्ट को मार तो दिया है, लेकिन अब टाइम हो गया है घर पे जाने का। तो फटाफट से चलते हैं अपने घर की तरफ, क्योंकि हमको अभी गाइस आराम भी करना है, क्योंकि अगर हम लोग आराम नहीं करेंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा। तो हम लोग फाइनली अपने घर की तरफ आ चुके हैं। वेट गाइस ये इतना बड़ा स्टैचू कहाँ से आ गया यहाँ पे, जो कि उसकी तरह सेम टू सेम वाइट है। वाओ मैंने ये पहले यहाँ पे कभी भी नहीं देखा, बट ये काफ़ी सुंदर और प्यारा है। शायद इसके अंदर काफ़ी सारे सोने के आइटम्स होंगे जिन्हें मैं लूट के करोड़पति बन जाऊँगा। और मुझे इसके ऊपर जाने का क्यों मन क्यों कर रहा है, पता नहीं क्यों कर रहा है, ऐसा मन कर रहा है कि मैं इसके ऊपर। वेट व्हाइट घोस्ट यहाँ पर कैसे आ गया भाई? भाई तू मेरे से रिवेंज लेने के लिए आया है ना, लेकिन भाई मेरे से जो गलती हुई मेरे को माफ कर दे प्लीज सर। तो आप भाई भाई नो 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 भाई नो गाइस प्लीज बचा लो मेरे को, गाइस बचा लो मेरे को, बचा लो प्लीज गाइस। नो 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 व्हाइट घोस्ट नो, 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 नो।